नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। आमला शासन की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के अलावा 2000 के नोटों को बदलने लोगों की भीड़ विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में देखी जा रही है। खास बात तो यह है कि बैंक खुलने से पूर्व ही बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें महिला पुरुषों की देखी जा रही है। अत्यधिक भीड़ होने से जहां बैंक उपभोक्ताओं के काम निर्धारित समय पर नहीं हो पा रहे, वहीं बैंकिंग कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अनियंत्रित भीड़ होने से भगदड़ की स्थिति भी निर्मित हो रही है, जिस कारण लोग दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सराफा बाजार पुराने थाने के पीछे स्थित भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा में केवाईसी कराने लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस दौरान भगदड़ की स्थिति निर्मित होने से एक महिला उपभोक्ता चक्कर आकर गिर गई थी, जिससे अस्पताल पहुंचा प्राथमिक उपचार दिलाया गया। बाद में पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझाइश देकर भीड़ की स्थिति को नियंत्रित किया। हमारे प्रतिनिधि से चर्चा के दौरान बैंक मैनेजर तुलसीदास जोंजारे ने बताया, शासन की लाडली बहना योजना में केवाईसी कराने एवं 2000 के नोट बदलने महिला पुरुष उपभोक्ता भारी संख्या में बैंक पहुंच रहे हैं। ऐसे में भारी भीड़ को अनियंत्रित करना संभव नहीं है। मेरे द्वारा पुलिस थाना आमला को पत्र लिख पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बनाए जाने की मांग की, ताकि शाखा में किसी भी प्रकार की घटना घटित ना हो सके। बैंक द्वारा ग्राहकों की सुविधा को दृष्टिगत रख 3 काउंटर बनाए गए हैं। 2 काउंटरों में केवाईसी एवं 1 काउंटर में नोट बदलने का कार्य किया जा रहा है। वहीं शौचालय शुद्ध पेयजल की व्यवस्था ग्राहकों के लिए की गई है। स्टेट बैंक आमला से पत्र मिला है, कल से बैंक में बल लगा सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी, ऐसा संतोष पंद्रे नगर निरीक्षक थाना आमला ने कहा है। आमला से खबर समय जगत के लिए हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.